खबर सुहागपुर से। निजी दौरे पर सुहागपुर पहुंचे जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार, परिषद कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जामदार आज निजी दौरे पर परिवार सहित सुहागपुर पहुंचे। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में कुछ देर रुके, जहाँ पर जन अभियान परिषद के पदाधिकारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। संभाग समन्वयक कौशलेश तिवारी, जिला समन्वयक राजेश सिसोदिया, ब्लॉक समन्वयक किशोर कुमार कड़ो, नव अंकुर संस्थाएं और मेंटर गजेंद्र सिंह ठाकुर, श्याम सिंह मीणा उपस्थित रहे। जितेंद्र जामदार ने बताया कि जन अभियान परिषद का उद्देश्य शासन की द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का जन जन को लाभ पहुंचाना और मां नर्मदा के उत्थान को लेकर कार्य करना है। कुछ देर रुकने के बाद जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र जामदार मढ़ई की ओर प्रस्थान। सर, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद निरंतर नर्मदा तट के किनारे वृक्षारोपण किया है, रिपेयर जोन को काफी हद तक सुरक्षित करने की कोशिश की है, तो सुहागपुर की जो जीवनदायिनी कही जाती है पलकमती, उसके लिए क्या कुछ प्लान है? अभी दिसंबर के अंतिम माह में उज्जैन में जलागम यात्रा हुई थी। उस जलागम यात्रा में मध्य प्रदेश के पूरे 313 विकास खंडों की एक एक चयनित नदी का जल लेकर के और वहाँ पर जो कोटि तीर्थ है श्री महाकाल जी के बाजू में, उस कोटि तीर्थ में हम सब ने समर्पित किया था। और वहाँ हमने संकल्प लिया था कि जिन नदियों के जल को हमने ला कर के आज यहाँ समर्पित किया है, उन नदियों के संरक्षण के लिए जो भी संभव प्रयत्न है वो करेंगे। अब मानव ही जल का और पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसलिए सबसे पहला काम तो हम लोग करते हैं कि एक जन जागरण का अभियान। और आप सब जानते हैं कि नमामि देवी नर्मदे प्रकल्प के अंतर्गत और नर्मदा सेवा यात्रा लगभग 16-17 में जो निकली थी आज से 6 वर्ष पूर्व, उस यात्रा से नर्मदा जी के अंदर जो उल्लेखनीय परिवर्तन हम सबको देखने मिलता है उससे हम सब अवगत हैं। और उसी प्रकार हम यहाँ की नदी जो है, हर जगह की नदी देखिए हम उसको नर्मदा के रूप में देखते हैं। अभी मैंने नर्मदा जयंती के दिन अपने कार्यकर्ताओं को आग्रह किया था कि अपने अपने ब्लॉक में जो भी नदी है उसका पूजन नर्मदा मान करके ही करें, और उसके पूजन के साथ साथ संकल्प लें कि हम उसका संरक्षण करेंगे। वही प्रयत्न यहाँ पर भी होगा, पूरे वर्ष भर वो कार्य चलेगा और उसका सकारात्मक परिणाम हमें मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास। जनजन परिषद जो हम देखते हैं आध्यात्मिक पर भी बात करते हैं, तो जब हम आध्यात्मिक बात करते हैं स्वच्छता एक विषय निकल कर आता है कि स्वच्छता से लोग अपना कार्य करें, जिम्मेदारी निभाएं या काम करें, तो उस पर जनजन परिषद की क्या भूमिका है? देखिए, अनादिकाल से भारत के अंदर ये व्यवस्था बनी हुई है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वप्रेरणा से, उसके अंदर जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं उनके आधार पर, उनके जो माता पिता हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके संस्कारों के आधार पर समाज के अंदर सेवा का कार्य करें। अब वो सेवा का कार्य किसी भी दृष्टि से हो सकता है, वो जनता की सेवा हो सकती है, वो गरीबों की सेवा हो सकती है, वो मरीजों की सेवा हो सकती है, तो वो उन युवाओं के अंदर संस्कारों को स्थापित करने की सेवा हो सकती है जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, पाश्चात्य जगत का अंधानुकरण कर रहे हैं। पाश्चात्य जगत में सारी बातें बुरी हैं ऐसा नहीं है, अच्छी बातों को लेना और बुरी बातों को छोड़ना यह हमारा स्वभाव है। इस भाव को जागृत करना हमारे जन अभियान परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य है, और वो कर्तव्य वो निष्ठापूर्वक निभाते हैं, ये मेरा विश्वास है। तो मुख्यमंत्री के माध्यम से एक कक्षाएं चलाई जा रही थी CMCLDP, जिसमें बहुत सारे बच्चों को BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क कराया गया है, अब उसी के माध्यम से MSW भी कराया जा रहा है। परंतु सर, कुछ जो व्यवस्थाएं, जो एक्टिविटीज़ पहले होती थी, जब यहाँ पर कौशलेश तिवारी जी जो थे समन्वयक थे, उस टाइम पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, अभी भी क्षण मात्र ही कुछ, अब वो संभाग के हैं ना तो सब जगह घूमना पड़ता है उनको, तो क्या अब क्या होगा सर? नहीं, एक्टिविटीज़ होंगी। देखिए, CMCLDP ये एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। हम सब मानते हैं कि हर समाज के अंदर युवा वर्ग होता है जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, उस नेतृत्व करने की क्षमता को बढ़ावा देने की जरूरत है, उसको पालित पोषित करने की जरूरत है, उसका ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है, और उसको लेकर के, और माननीय
शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस योजना की स्थापना हुई, जिसको सीएम सीएलडीपी चीफ मिनिस्टर कम्युनिटी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। इसी को हम लोग मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास योजना कहते हैं। जब ये क्लासें चालू हुई थी, जब एक विषय भी कहा गया था कि रोजगार के विषय में भी भविष्य में जब क्लासें पूरी हो जाएगी तो रोजगार के लिए भी दिया जाएगा। सोशल वर्क यानी जिसको हम समाज सेवा का कार्य कहते हैं, ये सोशल वर्क सामान्यतः किसी भी प्रकार के अन्य रोजगार की गारंटी नहीं देता। अन्य रोजगार की मतलब उसे कोई क्लरिकल जॉब मिल जाएगा, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, पुलिस में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। परंतु उसमें आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। एक बार आपके अंदर नेतृत्व क्षमता विकसित हो गई, उसके बाद आप अपने जीवन के स्वयं मालिक हैं, और इसलिए आसमान आपके लिए खुला हुआ है। जहां तक आपकी उड़ान हो सकती है, आप उड़ान भर सकते हो। किया खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।